नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है क्रिकेट के इसरी में। मैं हूं अभिनव। कल से भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला टेस्ट मुकाबला शुरू हो चुका है। जैसे कि सीरीज शुरू होने से पहले ही यह कयास लगाया जा रहा था कि मैदान के अलावा मीडिया खेमे से भी घमासान देखने को मिलेगा, तो वो सच साबित होने लगा। भारतीय टीम ने जहां मुकाबले के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया को 177 रन पर ही ढेर कर दिया, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मेहमानों पर क्या बीत रही होगी। ऑस्ट्रेलिया ने जितनी भी तैयारी की थी मुकाबले से पहले, उस पर भारतीय गेंदबाजों ने पानी फेर दिया। वहीं 6 महीने बाद टीम में वापसी करने वाले खिलाड़ी रविंद्र जडेजा ने एक बार फिर से पंजा मारा और ऑस्ट्रेलिया के सामने खटिया खड़ा कर दिया है। पंजे से परेशान होने के बाद ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने उन पर निशाना भी साधा और बॉल टेम्परिंग का आरोप लगाया, पर वैसा कुछ असर उसका देखने को नहीं मिला। आइए वीडियो के जरिए जानते हैं आगे की। कल जडेजा ने ऑस्ट्रेलिया को अपनी गेंदबाजी से काफ़ी ज़्यादा परेशान किया और अपने खाते में 5 विकेट भी डाले। वहीं मुकाबले से पहले से ही परेशान ऑस्ट्रेलिया मीडिया ने जडेजा का वीडियो सोशल मीडिया पर डाला है, जिसे लोगों द्वारा खूब देखा जा रहा है और तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी दिए जा रही है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने जो वीडियो अपने सोशल मीडिया पर अपलोड किया है, उसमें यह देखा जा रहा है कि मोहम्मद सिराज कोई बाम अपने हाथ के ऊपरी हिस्से पर लगाकर जडेजा की तरफ आए हैं और उसे जडेजा अपनी हाथ की उंगली पर लगा रहे हैं, जिसे वो गेंदबाजी करते हैं। इसी हरकत को ऑस्ट्रेलियाई मीडिया बॉल टेम्परिंग का नाम दे रही है। वहीं इस पर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी टिम पेन ने भी समर्थन देते हुए प्रतिक्रिया व्यक्त की है। वॉन ने लिखा कि आखिर वो अपने स्पिनिंग फिंगर पर क्या लगा रहे हैं, पहले ऐसा कभी नहीं देखा। वहीं पेन ने कहा कि लविंग इट सो फार। इस पर काफ़ी ज़्यादा ड्रामा देखने को भी मिल रहा है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जडेजा अपने स्पिनिंग फिंगर पर मरहम लगा रहे हैं। लगातार गेंद फेंकने की वजह से उनकी उंगली में थोड़ी दर्द सी हो गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा किया। वहीं जब मैच रेफरी ने इस पर जाँच की तो उन्होंने साफ कर दिया कि बॉल टेम्परिंग जैसी कोई बात नहीं है। लगातार गेंद फेंकने की वजह से जडेजा की उंगली में थोड़ी दिक्कत आ गई थी, जिस वजह से उन्होंने इस पर मलहम लगाया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की तैयारी लगातार भारतीय स्पिनर्स को ध्यान में रखते हुए करती जा रही है, मगर फिर भी भारतीय स्पिनर्स को पहले इनिंग में 8 विकेट मिले। वहीं 2 विकेट तेज गेंदबाजों के नाम रहा, जिसमें सिराज और शमी ने विकेट चटका कर भारतीय टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। वहीं इस मुकाबले का नतीजा निकलने की पूरी संभावनाएं हैं, तो ऐसे में भारतीय टीम अभी मजबूत स्थिति में दिख रही है। क्रिकेट से जुड़ी ऐसी और भी अपडेट को जानने के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी। धन्यवाद।